कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश में 21 दिन का लॉकडाउन लागू हो चुका है। ऐसे में कामकाजी लोग जहां घर पर कंप्यूटर से ही काम कर रहे हैं, वहीं घरों में बंद लोग भी इंटरनेट के सहारे समय बिता रहे हैं। ऐसे में साइबर अटैक के मामले भारत समेत पूरी दुनिया में अचानक से बढ़ गए हैं। साइबर ठग कोरोना वायरस के नाम से कई तरह की ईमेल लोगों को भेज रहे हैं और लोगों की निजी जानकारी, बैंक खातों से जुड़ी जानकारी और अन्य संवेदनशील जानकारी पर हमला कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस के नाम का खौफ है और ऐसे में आम लोग इससे जुड़ी ईमेल और वेबसाइट्स के झांसे में आसानी से फंस रहे हैं। स्टैटिस्टा नाम की वेबसाइट के मुताबिक 1 जनवरी से 27 मार्च के बीच यूनाइटेड किंगडम में 20.8% साइबर अटैक हुए, जबकि फ्रांस में 11.5%, अमेरिका में 8.2% और इटली में 5.9% साइबर अटैक देखे गए। भारत भी इस लिस्ट पर 7वें नंबर पर है, जहां 4.9% साइबर हमले देखने को मिले। कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल पर बड़े हमलों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी 28 मार्च को एक एडवाइजरी जारी कर लोगों को जागरूक किया कि साइबर ठगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे डोमेन्स को भी चिन्हित किया गया है जो कि लोगों के डेटा के लिए खतरा है। जानकारों के मुताबिक कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देते हुए साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, जिसका फायदा अब साइबर ठग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एडवाइजरी जारी की गई है कि ऐसा कोई अटैचमेंट ना खोलें जो आपके परिचित से ना आया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।